राधे राधे सभी को। आज मैं बना रही हूँ राजमा चावल बीटरूट की सब्जी। भी ज्यादातर हम लोग नॉर्थ में तो सब बीज सलाद के रूप में ही खाते हैं चुकंदर को, पर आप देखिएगा बड़ी टेस्टी बनती है, बनाने की कोशिश कीजिएगा और आप लोगों को गाइस पसंद भी आएगी। तो सब आगे देखते हैं क्या क्या करती हूँ मैं। सभी को राधे राधे। राजमा उबल भिगो के रख दिए थे, अभी राजमा उबल रहे हैं। आज काट लिए थोड़े से लहसुन और ये लंबी लंबी मिर्चें काटी हैं। बच्चों को मिर्चें खाने में दिक्कत देती हैं तो इसलिए आराम से निकाल लेंगे, इसलिए लंबी काटी। चुकंदर ये काट लिया है। इधर कढ़ाई में अब तेल रख रही हूँ गरम करने। हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे तो इसके बाद में इसमें चुकंदर डाल देंगे बस। सिर्फ और सिर्फ इसमें दो ही मसाले डालेंगे, हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। इसको ढक देती हूँ और 10-15 मिनट में ये सब्जी भाप से गल के बीटरूट हमारा गल गया है। अब इस पे हम कच्चा वाला नारियल डाल रहे हैं। प्याज और ये इधर डालना है और ये पीस रही हूँ प्याज और दो टमाटर। एक तेज पत्ता, लौंग, काली मिर्च, डाल दिया है। अब इसको हिला दिया, थोड़ा सा मसाला पकने का इंतजार करेंगे। अब बस ये मसाला पक जाए थोड़ा सा, इसको राजमा में डाल के एक सीटी लगा देंगे। चढ़ा दिए बनने के लिए। हो गई है मेरी थाली तैयार, बीटरूट की सब्जी, राजमा चावल और रोटी।